यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत कम आई है किसी किसी सेक्शन से। एम आई ऑडिबल टू यू? ओके जी। सो हैव यू रिवाइज द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी? किया आपने? चलिए, अब मुझे कुछ एक चीज बताओ, हाउ करें रिवाइज थोड़ा सा एक बार? आर यू रेडी? चलिए, एवरीवन, एवरी सर, मतलब मेरी आवाज आ रही है हर सेक्शन में क्लियरली? चलिए, ठीक है। अब मुझे पहले सबसे पहले ये बताइए, हाउ पोटेंशियल एंड करंट आर रिलेटेड टू ईच अदर? यस, हाउ पोटेंशियल एंड करंट आर रिलेटेड टू ईच अदर? उन दोनों में रिलेशन क्या है? कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड्स, जिस जिसको पता है। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ। फास्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट? अरे, सिक्स सेक्शंस आर देयर, किसी को भी नहीं आता? एक हैंड रेज है 10th D में, पीछे एक स्टूडेंट। प्लीज बेटा आइए जरा आगे। अच्छा, एक आगे भी था स्टूडेंट, वो दिख नहीं रहा था। They are directly proportional to each other. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम बेटा? नेप्रीत कौर, रिपीट करना बेटा। नेप्रीत कौर। नेहप्रीत कौर, वेरी गुड बेटा। एक और हैंड रेज हुआ था 10th D में से। यस बेटा, यू ऑल्सो कम। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? That if current increases, potential difference will also increase. यस, इफ करंट विल इंक्रीज देन पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या लॉ है जो इस वी इज प्रोपोर्शनल टू आई को वेरीफाई करता है? इतना सा तो पूछा था। बेसिकली मैंने सीधा नहीं पूछा कि ओम्स लॉ क्या है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, वी एंड आई कैसे रिलेटेड हैं। देखो, यही भी चेंज हो गया ना क्वेश्चन का मूड। अगर मैं आपसे ओम्स लॉ पूछ लेती, मे बी मैक्सिमम हैंड सबके रेज्ड होते इस टाइम। बट अगर मैंने उल्टा पूछ लिया, वी और आई में क्या रिलेशन है, तो सब डाउन। बेटा, चीजें कहीं से नहीं आनी, चीजें वहीं से, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं आप सबके। बस जरूरत है थोड़ी सी अटेंशन की, थोड़ा सा अटेंशन से काम करो, ठीक है? तो नाउ हमारा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है? जैसे मेरे को आंसर मिला अभी, इफ आई इज इंक्रीज, इफ करंट इज इंक्रीज, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो इंक्रीज, राइट? वेरी गुड क्लास 10th D। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कौन सी क्लास सबसे ज्यादा आंसर करती है, ठीक है? कौन सा सेक्शन, रादर क्लास नहीं, सेक्शन, ठीक है? चलिए, नाउ दिस इज क्लियर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स? मटेरियल नॉट इन दिस वे, जस्ट रेज योर हैंड, आई आस्क टू समवन। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड? अगेन, आई थिंक 10th D में सबसे ज्यादा हैंड्स रेज्ड हैं। चलिए, हम 10th C पर चलते हैं। 10th C में से एक, ये जो मेरी साइड लास्ट रो है ना, उसमें जो स्टूडेंट है ग्रीन टी शर्ट में, जो जिसने अभी पीछे, हाँ बताइए जरा। मटीरियल टेम्परेचर। मटेरियल एंड टेम्परेचर, वेरी गुड। रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी एरिया पर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर? वो क्या वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी? वो एक क्वेश्चन लिखिए जरा, आपकी वर्कशीट में नहीं, वैसे मैं एक लिखवा रही हूँ। अब आर यू रेडी टू राइट?
Yes. Write down. A wire is stretched. A wire is stretched to double of its length. To double of its length. Right? What will be its new resistivity? New resistivity. Just raise your hands agar kisi ko aata hai. Jis jis ko aata hai, just raise your hands. What will be its new resistivity? Ek hand 10th A mein se aaya. 10th F mein se bhi aa rahe hain. Again 10th D, very good. Ma'am, please, 10th B mein, I think, kaun hai, kaun batayega mujhe? Teachers, please help karenge aap thodi meri? Kisi student ko boliye. Resistivity will remain same. Resistivity will remain same. Beta, dekho, very good, excellent. Go back to your seat, beta. Now, I think the concept is clear. ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज. अगर इस वायर का चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा. वेरी गुड. ठीक है, चलिए, आई थिंक अभी क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट. शुड वी मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल? तो टुडे आर मॉड्यूल रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो किसी ने कुछ पूछना है अर्लियर टू मॉड्यूल्स में से, या अदरवाइज कुछ पूछना है चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वेलकम. आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो. ओके, चलिए. नाउ मुझे आप ये बताइए, अगर मेरे पास दो बल्ब्स हैं और मैंने उनको ऐसे कनेक्ट कर रखा है, लेट अस से लाइक दिस, एंड एक कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे बनाया हुआ है. So, which combination is in series and which combination is in parallel? This is in series and this is in parallel. ठीक है, अच्छा, एक combination मैंने ऐसे बनाया, let us say इस तरीके से. Now, what is this combination called? It is in series or it is in parallel? Parallel. It is in parallel, पर सीरीज में भी तो जा रहा है कुछ. बोथ. तो ऐसे जे जे जहां पर हमारे कनेक्शंस दोनों तरीके से कनेक्टेड हो, कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्टेड हो और कुछ पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. ठीक है, आपको डायरेक्ट सीरीज या डायरेक्ट पैरेलल के न्यूमेरिकल्स बहुत बिगनिंग में आते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे न्यूमेरिकल्स इसी पार्ट से आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पार्ट से. ठीक है, दिस इज इन सीरीज, दिस इज इन पैरेलल, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम. अभी मुझे ये बताइए, हम रेजिस्टर्स को नॉर्मली इस तरीके से एरो हेड, इस तरीके से जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मेरे पास कोई रेजिस्टर इस तरीके से हो कनेक्टेड, इज दिस इन सीरीज और इन पैरेलल? बोथ. अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. देखो, अगर मैं ये इसको R1 मान लूं और इसको R2 सपोज कर लूं, और नीचे वाले पार्ट को अगर हम फॉरगेट कर दें, भूल जाएं, तो R1 एंड R2 कैसे कनेक्टेड होंगे हमारे? अगर सिमिलरली R1 R2 को हाइड कर दें, देन हाउ दीज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड? लेट अस से दीज R3 एंड R4 सीरीज. ठीक है, बट अगर मैं इस पूरे सेट को और इस पूरे सेट को देखूं, तो ये कैसे कनेक्टेड है दोनों? तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉम्बिनेशंस जहां पर सीरीज भी अप्लाई हो
और फॉर्मूला हमारा पैरेलल का भी अप्लाई हो, तो वहां पर हम उनको बोलते कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ऐसे देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मुझे ना एक ड्रॉ करके दिखाओ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों, एनी अदर देन दिस, ये नहीं होने चाहिए दोनों, कुछ भी अनदर थिंग जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। एग्जैक्टली सेम नहीं होने चाहिए, यू कैन टेक द आइडिया। टीचर्स प्लीज आई नीड योर हेल्प नाउ, आप प्लीज चेक करते जाइए सबका ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे। बच्चे जिसका हो गया अपने अपने टीचर्स को शो कर दो एक बार जल्दी से। आई होप हो गया होगा बेटा सबका, सबने ड्रॉ कर लिया। चलिए किसी को नहीं आ रहा तो बेटा पूछ सकती हो, अपने टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हो। अगर किसी को डाउट है नहीं बनाना आ रहा, यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स, और अदरवाइज यू कैन आस्क टू मी ऑल्सो। चलिए ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अलोंग विद द क्वेश्चन आई विल डिस्कस द फॉर्मूलास। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम्स, 3 ओम्स एंड 4 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ड्रॉ द अरेंजमेंट। चलिए फटाफट एक अरेंजमेंट ड्रॉ कर दीजिए। एक बार तीनों रेजिस्टर्स को आपने सीरीज में लगाना है, एक बार पैरेलल में लगाना है। चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तीनों सीरीज में नॉर्मली कैसे लगेंगे? बस इस तरीके से, थ्री रेजिस्टर्स विच आर प्लेस इन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट R1 हमारा दिया गया है 2 ओम्स, R2 हमें दिया गया है 3 ओम्स एंड R3 हमें दिया गया है 4 ओम्स। ठीक है, चलिए सीरीज में ऐसे लगेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज वी हैव द फॉर्मूला RS। RS मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। हम सिंपली जितने भी रेजिस्टर्स हैं इन सबको ऐड कर देंगे। 3 है तो 3 टाइम्स ऐड हो जाएंगे, 4 होते तो 4 ऐड हो जाते, एंड सो ऑन। सिंपली कुछ भी नहीं किया, ऐड कर देना है। क्या आ जाएगा? 2 + 3 + 4। नाउ हाउ मच इज आंसर? 9 9 ओम्स। दिस विल बी योर आंसर फॉर सीरीज पार्ट। एंड फॉर पैरेलल पार्ट, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट। पैरेलल में कैसे कनेक्ट हो जाएंगे सभी? 1, 2 एंड 3। देर आर थ्री रेजिस्टर्स, R1 इज 2 ओम्स, R2 इज 3 ओम्स एंड R3 इज 4 ओम्स। हमने इनको कनेक्ट कर दिया। हाउ? दे आर इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में क्या चीज होती है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल? 1/RB = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
वेरी गुड. तो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4. व्हाट विल बी द एलसीएम? 12. ठीक है, सो 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12. तो ये आपके पास आया 13/12. सो दिस इज नॉट योर आंसर एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअली वी गॉट द वैल्यू ऑफ 1/RP एज 13/12. सो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन पैरेलल? आरपी इज 12/13. बेटा डोंट फॉरगेट टू टेक द रेसिप्रोकल हियर, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं, रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, यहाँ पे सीधा इसी को सपोज कर लेते हैं, आंसर आ गया. नो, दिस इज द आंसर ऑफ 1/RP एंड यू नीड आरपी. सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? 0.92 ohms. ठीक है बच्चे? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था अभी मैंने स्टार्ट करने के पर्पज से. क्वेश्चन नंबर 2, मार्क दिस क्वेश्चन, वी विल डू इट लेटर ऑन. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 रब कर दो ना. चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 रीड द क्वेश्चन. Four resistors, each of resistance 2 ohms, are connected in parallel. What is the effective resistance? बताइए कैसे करोगे, जल्दी से करके दिखाइए मुझे ये वाला क्वेश्चन. पैरेलल में कनेक्ट किया गया, 4 रेजिस्टर्स हैं 2 ओम्स के एंड एवरी रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. This is how the combination is formed. Each resistor has a value of 2 ohms and 2 ohms. Okay? So total resistance in parallel, again the same formula, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4, because here we have 4 resistors, R1, R2, R3 and R4, right? So 1/RP is, solve कीजिए जरा जल्दी से, 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2, 1 plus 1 plus 1, it will become 4/2, 2 ones are 2, 2 to the 4, it will be 2/1. Now we will take the reciprocal, so RP will become 1/2. And what is 1/2 is? 0.5 ohms. नहीं वही ठीक है, पहले वाला ठीक है बेटा. चल, सो द राइट आंसर इज 0.5. चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th इज, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम्स आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम्स. अब हमें बोला क्या गया है कि हमें 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं 2 ओम्स के, उनको कनेक्ट किया गया है. हमें ये नहीं बताया कि कनेक्ट कैसे किया, सीरीज में. बेटा ध्यान से समझो, एक बार कंप्लीट कर रहे हो तो पहले एक बार कंप्लीट ही कर लो अगर ये क्वेश्चन नोट कर रहे हो. हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd सबका? Yes. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4th में हमें 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं,
बट हमें ये नहीं बताया उन तीनों को कनेक्ट कैसे किया है। आइदर दे कैन बी इन सीरीज और दे कैन बी इन पैरेलल, और इट इज पॉसिबल दैट दे आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कि सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में हो थ्री रेजिस्टर्स, राइट। तो हमें वैल्यू क्या दी गई है कि जब आप उन तीन रेजिस्टर्स को सॉल्व करोगे किसी भी तरीके से कनेक्ट करो, आपका जो आंसर आना चाहिए वो 3 ओम्स आना चाहिए। अब कैसे अरेंज करें हम इन तीन 2 ओम्स के रेजिस्टर्स को? मेरे पास एक R1 है 2 ओम्स का, एक R2 है 2 ओम्स का, और एक R3 भी है 2 ओम्स का। नाउ हाउ यू विल कनेक्ट दीज थ्री रेजिस्टर्स सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस विल बिकम 3 ओम्स। सी, इफ यू कनेक्ट ऑल देम इन सीरीज हाउ मच आंसर यू विल गेट? हाँ क्या ये पॉसिबल है कनेक्ट करना इस तरीके से? हमें तो 3 ओम्स चाहिए, तो हमने सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अभी मुझे पैरेलल का बताओ, क्या हम तीनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करें, ये भी 2 ओम्स, ये भी 2 ओम्स, ये भी 2 ओम, पैरेलल का फॉर्मूला कैसे होता है? हाँ 1/2, 1/2 प्लस 1/2, तो इट विल बिकम 3/2, और ये 1/RP चल रहा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो इट विल बिकम 2/3, तो इट विल बिकम समथिंग 0.66 ओम। क्या ये मुझे आंसर चाहिए? हाँ नो। अच्छा एक चीज और देखो, जब आपने इनको सीरीज में कनेक्ट किया था तो 6 ओम्स आंसर आया था, जब इन्हीं तीनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 0.66 आया। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 0.66 और 6? देख देखो यहां से एक और क्लियरिटी आपको होती है कि अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है तो हम अपने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? और अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे उनको? पैरेलल। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको तीन चार रेजिस्टर्स दे देंगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको एक 2 ओम का दे दिया, 5 ओम का दे दिया, 10 ओम का दे दिया, और आपको बोलेंगे कि इनको कैसे कनेक्ट करो कि टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम कब होगा? सीरीज सीरीज में में कनेक्ट करने से बढ़ेगा। और अगर बोल दें कि टोटल रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए, तो उन रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा हमें? ठीक है, तो सीरीज हमेशा रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, पैरेलल हमेशा रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। तो ज्यादा करंट कहाँ फ्लो होगा, सीरीज में या पैरेलल में? में ये किसने आंसर दिया मुझे? जस्ट रेज योर हैंड, स्टैंड अप, कोई भी नहीं? आई थिंक मुझे विजिबल नहीं है, अगर कोई खड़ा हुआ है तो। किसने बोला पैरेलल में? क्या नाम है बेटा आपका? इट इज फ्रॉम 10th F। क्या नाम है बेटा आपका? आकाश। चलिए, वेरी गुड, पैरेलल में ही करंट ज्यादा फ्लो होगा बेटा, इट्स वेरी गुड। ठीक है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं करंट कम हो जाता है। कल मैंने रिलेशन समझाया था आपको, मोर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट। ठीक है बेटा, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि करंट कहाँ ज्यादा फ्लो हो रहा है इन केसेस में, इन सीरीज और इन पैरेलल, देन यू विल से द टोटल करंट मोर इन पैरेलल, पैरेलल क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है। क्लियर, ये समझ आई चीज? ये चलो हमारे क्वेश्चन से हटकर हो गई है। नाउ कम बैक टू क्वेश्चन। तो हमने देखा हमारे लिए सीरीज भी पॉसिबल नहीं है, सबको पैरेलल में कनेक्ट करके भी आंसर नहीं आ रहे। नाउ हाउ विल यू कनेक्ट देम कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम हो जाए। नाउ एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि हम इनको कॉम्बिनेशन में लगाएं, क्योंकि ये तीनों सेम है तो यहाँ कॉम्बिनेशन में लगाना हमारे लिए इजी है। कैसे कॉम्बिनेशन में लग सकते हैं? हम 2 को सीरीज में लगा दें और 1 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें, ये भी 2 ओम, 2 ओम्स, 2 ओम्स। या मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 को हम सीरीज में लगाएं और 2 रेजिस्टेंस को हम
पैरेलल में कनेक्ट करें। तो कौन सा आपको अब राइट आंसर देने वाला है, क्योंकि यही दो पॉसिबिलिटी हैं जिनमें से कोई एक हमें राइट आंसर देगा। विच वन इज राइट? फटाफट सॉल्व करके जस्ट रेज योर हैंड्स जिसका फाइनल आंसर आ जाएगा। विच वन विल गिव द राइट आंसर? टेंथ सी मैम प्लीज थोड़ा सा देख लेना एक बार बच्चों को, जो वीक है स्पेशली उनको एक बार आप देख लीजिए जो थोड़ा सा वीक काम करते हैं। यस ये वाला देगा हमें राइट आंसर? सेकेंड देगा हमें? यस सेकेंड विल गिव इज द राइट आंसर। हाउ? काफी बच्चों को नहीं पता लग रहा होगा, आई एम एक्सप्लेनिंग, ये हम लेटर ऑन आगे एग्जाम्पल्स आ रही है इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस पार्ट बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। नाउ अगर आप टाइमिंग इस पार्ट को भूल जाओ, नाउ दिस पोर्शन इज इन हियर इन पैरेलल, तो अगर आप इसको आर आर वन और आर टू बोल दो तो आप बोल सकते हो कि आर वन एंड आर टू आर इन पैरेलल, तो ये आ जाएगा 1/2 + 1/2, इट विल बी 2/2 एंड इट विल गिव अस 1। सो द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल व्हिच वी आर गेटिंग इज 1 ओम। अब यहां पर फिर आ जाओ, ये मान लो आर थ्री था एंड इट इज 2 ओम। ये विजिबल हो रहा है बेटा सबको? दिख रहा है ना क्लियरली सबको? चलिए नाउ आर थ्री। अब देखो बेटा हम इनमें करते क्या है, इस पूरे पार्ट का आंसर मुझे कितना मिला? कैन आई कनेक्ट इट लाइक दिस? नाउ एक मेरे पास आर थ्री है, आर थ्री इज 2 ohms, और अब मेरे पास एक आर पी है, आर पी इज 1 ohm। अब नाउ आर थ्री एंड आर पी दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी आर थ्री प्लस आर पी। नाउ व्हाट इज आर थ्री? 2 एंड व्हाट इज आर पी? 1 ohm। तो राइट आंसर इज 3 ohm रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ये सिंपल है बेटा क्वेश्चन, लेटर और थोड़ा सा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मे बी इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑरली भी सॉल्व कर लो। ठीक है समझ आया? चलिए शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? इसी बिहाफ पर ही फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ऑन द सेम बिहाफ योर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज देयर। कैन यू ट्राई दैट क्वेश्चन? एक बार ट्राई करो जरा। उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ हमें ये बोला गया कि लेस देन 1 ohm होना चाहिए। लेस देन 1 ohm का मतलब है कि 0 point something में आपका एक आंसर आना चाहिए। लेस देन 1 तो 0 point something ही होगा ना, तो 0 point something में एक आपका आंसर आना चाहिए। तो देखो जरा क्या सीरीज में ऐड करने से 0 से कम होगा? सीरीज की तो सीधा ही खत्म कर दो। नाउ कम टू पैरेलल, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके चेक कीजिए। यस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तीनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? वन इज 2 ohm, 3 ohms एंड 5 ohms सीरीज में नहीं कर सकते क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 + 3 + 5, कितना आ गया?
तो ये हमें नहीं चाहिए। जब आप करोगे ना क्वेश्चन, तो ये जो नो वाले पार्ट है ना, जो एप्लीकेबल नहीं है, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ करेक्ट वाला पार्ट एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, नाउ कनेक्ट ऑल देम इन पैरेलल एंड देन चेक 2 ohms, 3 ohms एंड 5 ohms। दे आर इन पैरेलल नाउ। Have you solved? Yes, कितना आया? zero, 0.9. 0.93 आई थिंक समथिंग आएगा इसका आंसर। सो क्या ये वैल्यू 1 से कम आ रही है? मीन्स दिस इज द वे, इन दिस केस यू विल कनेक्ट ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स। मतलब इस केस में तीनों रेजिस्टर्स आपके कैसे कनेक्ट होने वाले हैं? पैरेलल में। ठीक है, क्योंकि यस हमें लेस देन 1 बोला, एग्जैक्टली 1 नहीं बोला, यहाँ पे लेस देन 1 चाहिए वैल्यू। अभी समझ आया बेटा आपको? यस ठीक है जी, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट शोन इन फिगर। चलिए कर सकते हो? यस चलिए फटाफट से करके दिखाइए मुझे। हाँ सीरीज 12 क्वेश्चन नंबर 6, मैम, सीरीज 12 सीरीज 12, विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट बेटा? आपके पास ऐसा डायग्राम होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन नहीं है आपके पास? ट्वेल्थ 12, ओके। मॉड्यूल 3 का है, लेट अस चेक कितना आंसर आएगा इसका। लेट अस से R1 इज 6 ohms, R2 इज 6 ohms एंड R3 भी आपका दिया हुआ है 6 ohms। दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ अभी आप फिलहाल R3 को भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ है, ले बैठ। नाउ हाउ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड? सीरीज ठीक है, नाउ आप लिखोगे R1 एंड आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? देयरफॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज इज R1 + R2 विच इज इक्वल टू 6 + 6 विच इज इक्वल टू 12 ohm। नाउ अभी देखो इस पूरे पार्ट का हमें क्या आंसर मिला? 12 ohm। नाउ कैन वी रिप्लेस दिस डायग्राम लाइक दिस? यस अभी ये 12 ohm हो गया विच इज इक्वल टू आर एस एंड ये हमें पता है R3 आपका है 6 ohms। नाउ हाउ आर एस एंड R3 आर कनेक्टेड? पैरेलल इन पैरेलल आर एस एंड R3 आर इन पैरेलल। अभी क्या करोगे? अब पैरेलल का फॉर्मूला लगा दोगे, 1/RP इज 1/RS प्लस 1/R3। नाउ 1/RS इज 1/12 प्लस 1/6। नाउ टेक द एलसीएम, ये 1/RP चल रहा है अभी हमारा, तो एलसीएम इज
12, so it will be 1 plus 6 to the 12, it will be 3 by 3, 1 the 3, 3, 4 the 12, it will be 1 by 4. Okay? Yeah. So 1 by 4, so now this is the value of R, 1 upon RP. Now what is RP? 4. So mujhe 12 answer kyun mila tha? How they are connected? ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. आई थिंक किसी ने मुझे यहीं पे आंसर दे दिया, बस यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज 4 ओम्स. ठीक है जी, चलिए डन. अभी एक क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एक होमवर्क के लिए दिया हुआ है, मतलब लेटर ऑन करने के लिए. ठीक है, चलें आगे. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th फ्रॉम 10th बी मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? दिलराज, 10th बी दिलराज. Yes, beta. Can you explain me how you will solve this question, question number 7th? And listen carefully, everyone. मैंने किसी से भी cross check करने के लिए पूछ लेने कि क्या बोला है इसने, दिलराज ने. Yes. हम पहले दो ऊपर आर वन और आर टू उनको सीरीज में निकालेंगे. वैल्यूज बोलो बेटा, सबके 20 ओम्स ही दे रखी है. रादर इट्स 20 और 2.0, 2.0, ओके 2 ओम्स ही मान लो आप. चलो अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ आर वन आर टू लिखकर, ठीक है, फिर आप बताना मुझे. ये बना, ये बना, दिस इज माई आर वन, दिस इज माई आर टू, दिस इज माई आर थ्री, दिस इज माई आर फोर. अब बताओ मुझे. चलिए बताइए. नहीं, हाँ अब मुझे इस प्रोसेस बताइए, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? हम पहले जो आर थ्री और आर फोर को ऐड करेंगे, वो दोनों सीरीज में है. सीरीज में है, ओके, दिस पार्ट इज इन सीरीज. ठीक है, आगे चलिए. जो आर वन और आर टू वो पैरेलल में हैं, फिर उसको अलग से सॉल्व कर लेंगे. ये जो पेयर है ये हमारा पैरेलल में है, राइट? फिर हम इनको ऐड करेंगे कैसे, इन सीरीज और इन पैरेलल? सीरीज में, देखो. वेरी गुड दिलराज, गो बैक टू योर सीट. ठीक है, चलिए ये देखो क्या है. नाउ आर थ्री एंड आर फोर आर इन सीरीज, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे और सिंपली ये क्या बन जाएगा, 2 + 2, दिस विल बी 4 ओम्स. नाउ ये पार्ट को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मुझे यहां पर मिल चुका है 4 ओम्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट है हमारे पास. ठीक है बेटा, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं रीड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, डायग्राम्स की क्लियरिटी हो जाए. अदरवाइज हमें ये बार बार ड्रॉ करने की भी नीड नहीं होती है. आप अपने हेल्प के लिए, रेफरेंस के लिए कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मेरे पास 2 ओम्स बचा और ये भी 2 ओम बचा, आर वन एंड आर टू. अब अगर यहाँ पे क्लियर, ये मेरे पास आर एस आ चुके हैं. नाउ आर वन एंड आर टू कैसे कनेक्टेड है? वेरी गुड. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? 1 by RP, 1 by 2 + 1 by 2, तो इट विल बी 1. सो आरपी हमें मिल जाएगा 1 ओम. ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो यहां मुझे अभी क्या मिल गया, इस पार्ट की जगह आरपी की वैल्यू 1 ओम. नाउ आर एस एंड आरपी कैसे कनेक्ट दिख रहे हैं आपको? अगेन हम यहाँ पे थर्ड टाइम फिर से फॉर्मूला लगेगा टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. अभी तक हमारे पास इंडिविजुअल पार्ट का रेजिस्टेंस आया था,
टोटल नहीं आया था. नाउ वी विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है कि आर एस प्लस आर पी करना पड़ेगा क्योंकि वो सीरीज में है. दिस इज 4+1 वीवीओ विल गेट फाइव. ठीक है जी, सो राइट आंसर इज 5 ओम. क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो डायग्राम दिखने में ठीक ठाक है बट फाइंड कुछ और करना है उसमें. रब कर दो सारा, वेट करो, चल थोड़ा सा तो हो गया रब. कैलकुलेशन वाला पार्ट है अभी. क्वेश्चन रीड कर लिया बेटा सबने? क्वेश्चन नंबर 8 आई होप हो गया होगा सबका. कर दो रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टोटल रेजिस्टेंस गिवन है, फाइंड नहीं करना है, इट इज गिवन. बट एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिसिंग दे रखी है. नाउ द क्वेश्चन इज 4 ओम्स, 8 ohms, we can say it R1, this is R2, R3 is X ohms and then we are given with R4 which is equals to 5 ohms. This is B and this is A. Now, चलिए बेटा अभी तो करंट भी निकालना आता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालने भी आते हैं. मैं सिर्फ आपको भी फिलहाल टोटल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन सिखा रही हूँ कि डिफरेंट वे से टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, चलिए. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड टोटल रेजिस्टेंस. हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 ओम्स. ये हमें पता है, जो अभी तक हम सभी क्वेश्चन से फाइंड करते आ रहे थे वो इस क्वेश्चन में गिवन है. नाउ हाउ आर वन एंड आर टू इज कनेक्टेड? सीरीज इन सीरीज. सो बताइए कितना आंसर बना? आर एस 4+8 इट विल बी 12. नाउ आर थ्री एंड आर फोर आर इन सीरीज, तो कितना आंसर आ जाएगा? आर एस, इसको आर एस डैश लिख लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि दो आर एस आ गए हैं हमारे पास. तो इट विल बी एक्स प्लस 5 ओम्स. अब देखो इस पूरे की जगह मुझे मिला 12 और इस पूरे के अगेंस्ट मुझे क्या मिला? एक्स प्लस 5 ओम. हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ? इन पैरेलल. पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/RP 1/12 प्लस 1/X+5. ठीक है बेटा. नाउ अगर हमें फाइनल आंसर, देखो मेरा आरपी के थ्रू आ रहा है तो इट मींस ये जो वैल्यू मुझे किसकी गिवन है? आरपी की. कैन आई पुट द वैल्यू हेयर लाइक दिस? 1/4 1/12 प्लस 1/X+5. Now these are your calculations which you have to do.
चलिए जल्दी से करते हैं. नंबर ऑफ वेज आर देयर, यू कैन टेक द एलसीएम एंड ऑल, फिर सेपरेट कर दो एक्स की टर्म्स को. बहुत सारे वेज हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कलेक्टिंग द कॉन्स्टेंट टर्म्स हेयर एंड वेरिएबल ओवर देयर. तो इट विल बी 12, 4 3 द 12 कितना आएगा बोलो जल्दी से. 3 माइनस 1, 1 upon x plus 5. तो इट विल बी 2 by 12, 1 upon x plus 5. 2 by 12 means 1 by 6 equals to 1 upon x plus 5. This is your mathematical part. Total algebra is going on, right? Now you will cross multiply. It will be x plus 5 equals to 6. X equals to 6 minus 5. X equals to 1. Oh. कुछ था डिफिकल्ट इस क्वेश्चन में? चलिए जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से. कंप्लीटेड बेटा? ओके जी, कर लीजिए. करें बेटा आगे स्टार्ट. यस, चलो नाउ द एजर्शन रीजन जल्दी से रीड करके मुझे बताइए. एजर्शन रीजन, फर्स्ट एजर्शन रीजन मुझे रीड कीजिए. चलो, assertion in series combination of resistance current is same in each resistance. चलिए बेटा ये थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, होता क्या है, करंट से रिलेटेड कैसे होती हैं चीजें. अभी तक हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे. देखो बेटा, दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइन. अब हम थोड़ा सा सर्किट को कंप्लीट करते हैं. दिस इज आवर बैटरी एंड दिस इज आवर सर्किट, ठीक है. नाउ यू नो दैट करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ऐसे ही फ्लो करते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पूरा राउंड लेगा और नेगेटिव पर आ जाएगा. देखो जब यहां से करंट आई स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पर वो पहुंचा, ठीक है, क्या उसको कोई अनदर पाथ मिल रहा था? बोलिए, एक ही रास्ता है ना, उसको अलग से कोई अनदर वे तो नहीं मिल रहा कि वो यहाँ निकल जाए या यहाँ आ जाए, ऐसा कुछ है? नहीं है. तो अगर सपोज करो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट था, तो R1 में से कितना करंट पास होगा? R1 में से करंट पास होगा 2 एम्पियर. यहाँ से भी 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से कितना पास हो रहा है? 2 एम्पियर हो रहा है. अगर सीरीज में कितना भी कुछ लगा होगा, इट मीन सब में सेम करंट जा रहा है, तो सीरीज में करंट रहता है सेम, ठीक है. दूसरी चीज, अगर हम यहां पर बात करें पैरेलल की, ठीक है, लेट अस से ये पाथ हमारा बना पैरेलल का. अब अगेन हमारा करंट क्या मूव कर रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. करंट जब इस पॉइंट पर आ गया, नाउ हाउ मेनी पाथ द करंट इज गेटिंग?
कितने रास्ते मिल रहे हैं उसको, टू पास दो ऑप्शंस हैं, वो यहां भी जा सकते हैं, वो यहां भी आ सकते हैं, ठीक है। लेट अस से दिस इज आर वन, दिस इज आर टू। अब यहां पर आकर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड, बंट जाएगा, ठीक है। दो रास्ते मिल गए, एक सिंगल रोड जा रही थी, अब दो पास में डिवाइड हो गई, ठीक है, समझ आई ये चीज। तो यस करेगा करंट आई वन और आई टू में स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में। बाय चांस इसको अगर तीन पाथ मिलते, लेट अस से ऐसे तीन पाथ मिल जाते उसको, तो यहां तक आई आ रहा था, फिर वो आई वन आई टू आई थ्री, फिर वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, ठीक है। सपोज करो आपके स्कूल से, आप क्लास से निकले, एक रैंप वाला रास्ता आ गया और एक स्टेयर्स वाला रास्ता आ गया, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ चले जाएंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ चले जाएंगे, ऐसे होगा, ठीक यस है, समझ आया ये चीज। अच्छा, एक लिफ्ट भी लगी हुई है, लेटर से स्कूल में लिफ्ट भी है, तो कुछ स्टूडेंट्स लिफ्ट से भी चले जाएंगे, अब मैक्सिमम कहाँ से जाएंगे, स्टेयर स्टेयर से। और अगर आप स्कूल की बिल्डिंग 10 फ्लोर्स की हो, या कहीं पे आप हाई फ्लोर पे हो, 10th फ्लोर पे हो, आपको 10th फ्लोर पे जाना हो, तो विच यू विल लिफ्ट, कौन सा पाथ चूज किया आपने जो कि इजीएस्ट था, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग लिफ्ट को यूज करेंगे क्योंकि वहां से जाना आसान है। सिमिलरली करंट कौन सा पाथ चूज करता है, सबसे ज्यादा करंट कहाँ से पास होगा। सपोज करो ये आर वन था 1 ओम का, आर टू था आपका 10 ओम्स का, और आर थ्री था आपका 5 ओम्स का, तो मैक्सिमम करंट कहाँ से पास करेगा। अब यही पे दिक्कत आ रही है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पे करंट क्या होगा, कम होगा। तो अगर करंट डिवाइड होगा तो यहाँ इस पाथ पे, इस वाले पाथ पे सबसे कम करंट आएगा, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस ही इतनी ज्यादा दे रहा है, वो करंट को आने ही नहीं दे रहा है, समझे मेरी बात। आर टू जो है वो करंट को आने ही नहीं दे रहा है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका, तो करंट के लिए इजीएस्ट रास्ता कौन सा है। लिफ्ट कहाँ लगी है तीनों, R1, आर वन के पास लिफ्ट लगी हुई है, तो करंट कहेगा मैं सबसे ज्यादा यहीं से जाऊं, सबसे मैक्सिमम करंट यहां से जाएगा। तो क्या पैरेलल में करंट सेम पास होगा, सीरीज में कोई रास्ता था करंट के पास, नो उसके पास तो ऑप्शन ही थी, ऑप्शन ही नहीं थी। अब आपने 10th फ्लोर पे जाना है, एंड देयर इज ओनली स्टेयर्स, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप थक के जाओ, गिर के जाओ, खुशी खुशी जाओ, कैसे भी जाओ, जाना वहीं से पड़ेगा आपको। तो करंट को भी एक ही रास्ता मिल रहा है, उसको यहीं से जाना पड़ेगा, चाहे वैल्यू रेजिस्टेंस की कम हो, ठीक है, 10 ओम है, यहाँ आर टू की वैल्यू लेट अस से 20 ओम है, उसको कहीं से भी जाना हो, उसको यहीं से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीरीज में करंट रिमेन सेम, ठीक है, एंड पैरेलल में क्या हो जाता है, करंट, डिवाइड करंट इज डिफरेंट, हम ये बोल सकते हैं डिफरेंट होता है, हर एक रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होगा, ठीक है बेटा। तो यस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट वन, एजर्शन रीजन। रीजन रीजन इज फॉल्स, सो विच विल बी द राइट ऑप्शन नाउ, सी ई इज द राइट ऑप्शन नाउ। क्वेश्चन टाइम नहीं, क्वेश्चन नंबर टू, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, लेट अस कंप्लीट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, इस फॉल्स एंड रीजन दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट इज दिस मच। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या कर दी, हमने फॉर्मूला समझा इस तरीके से, और ऑप्शन में कुछ और ही डाल रखा है। नाउ अगर हम इसका एलसीएम ले लें, तो इट विल बिकम आर वन आर टू, एंड हियर वी विल गेट आर टू प्लस आर वन, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/RP,
तो व्हाट विल बी आरपी नाउ? मैंने यहाँ रेसिप्रोकल लिया तो मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल, है ना? R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2 लिखो, प्लस में फर्क नहीं होता, ठीक है? सो द राइट ऑप्शन इज, रीजन इज राइट और रॉन्ग? True. ट्रू. व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? बी. बी एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. डी, दिल्ली वाला डी, ठीक है? डी विल बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एजर्शन पे. इन पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. क्या टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कम होता है या इंक्रीज होता है? डिक्रीज हमने सबसे पहले किया था ना? यस हाँ जी. फिर क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है? हमने किया था ना क्वेश्चन में, मैंने आपको कहा था आगे आएगा. एक 6 ओम आया था और एक 0.66 ओम आंसर आया था हमारा, जो किया था ना. तो डिक्रीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज. एंड पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज. इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, ये भी ठीक है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे की? नो. द राइट आंसर इज, ठीक है बेटा? सो वी आर लेफ्ट विद द केस स्टडी नाउ, ठीक है? चलिए केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा एक बार जल्दी से. द हाउस होल्ड सर्किट्स आर कनेक्टेड इन, हमारे घरों में सारे सर्किट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं पैरेलल? अगर आप फैन ऑफ करते तो अकेला फैन ही ऑफ होता है ना? लाइट ऑफ नहीं होगी, एसी ऑफ नहीं होगा, ठीक है? एक चीज ऑन करोगे तो पर्टिकुलर चीज भी ऑन हो जाएगी, बाकी सब ऑन नहीं हो जाएंगी. तो जब जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, जहां पर हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वो सर्किट हमेशा पैरेलल में होते हैं, राइट? समझ आया? चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ये तो कल जैसा क्वेश्चन आ गया एक. द टू वायर्स ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल. तो आपको एक ग्राफ में सिर्फ ये बताना है ए और बी में से कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है. चलिए, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हाँ, रेजिस्टेंस इन. इंक्रीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज. तो सिंपली आप मुझे इसमें ये बताओ, ए और बी में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है? रेजिस्टेंस ए ये आपको वी दिया हुआ है, ये आपको आई दिया गया है. ए एंड बी, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? ठीक है, कल हमने किया था, मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ. करंट के ऊपर एक पैरेलल लाइन, सीधी लाइन, दो लाइंस पोटेंशियल के ऊपर, जहां पे वी होगा, V1 एंड V2. V2 ए से रिलेट हो रहा है, तो V2 का जो रेजिस्टेंस है, जहां से हमें V2 मिल रहा है, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है? मोर है. रेजिस्टेंस इज मोर. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो क्या हुआ फिर सीरीज में? मतलब ए हमारा क्या है, बी हमारा किसमें सॉरी, ए हमारा किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में. एंड बी किसमें कनेक्टेड है हमारा? पैरेलल में. क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और एक आगे मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर टू. दीज टू क्वेश्चन आर योर होमवर्क, ठीक है? एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे हैं इसमें केस स्टडी के, थर्ड क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? समझ आया बेटा सबको आज का? सीरीज पैरेलल अब आसान हो गया थोड़ा बहुत ना, ठीक है? गेट रेडी विद योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास. जो भी आपको डाउट्स हैं लेकर आना. तो थोड़े से मैं अब आपको टोटल रेजिस्टेंस के बाद करंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, टोटल करंट कैसे कैलकुलेट होता है,
हम इन सर्किट्स के थ्रू टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ग्राफ अब क्लियर है सबको? चलिए, वेरी गुड। ओके बेटा, देन एवरीवन बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you.